भी हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्लॉग बर्ड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। ये रास्ता में हूँ और गाड़ी में, और मैं सोची कि आप लोग से पहले बात कर लेती हूँ फिर मैं जाती हूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर, तो यहाँ पे जो मोह भंडार में जो शनि मंदिर है वहाँ पर जगन्नाथ भगवान का भी मंदिर है, नया मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर आज कलश यात्रा है। तो मैं कल को गई थी वहाँ, तो वहाँ पे मैं सुनी कि कलश यात्रा होने वाली है, तो मैं सोची मैं भी चलती हूँ। तो अभी मैं घर से निकल के आ गई हूँ, रास्ता में हूँ, ये रिलायंस किसान ये सब के पास में हूँ और ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके आपके साथ शेयर करूँ वहाँ पर। वैसे पूरा वीडियो तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर कलश यात्रा में मैं भी कलश उठाऊँगी, तो वीडियो शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। ये नया मंदिर बन रहा है यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे भगवान जी को रखा जाएगा। और यहाँ पे कितना भीड़ है आप देख सकते हैं कलश के लिए। मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारा मंदिर है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल हूँ। ये हनुमान मंदिर है, हनुमान जी का मूर्ति यहाँ लगा हुआ है, लक्ष्मण और सीता का मूर्ति। और यहाँ पे उस तरफ है शनि मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये मनसा देवी का मंदिर है, ये माँ काली का मूर्ति है यहाँ पे, और इधर है शनि महाराज, ये देखिए। यहाँ पे मैं हर सैटरडे को आती हूँ पूजा करने के लिए। और ये हनुमान जी का है, और ये नवग्रह का पूजा होता है यहाँ पे, नवग्रह है आप देख सकते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद वहाँ ये है शिव भगवान का मंदिर, आप देखेंगे तो आपको, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा जगह है ये। ये देखिए, ये शिव भगवान का मंदिर है, और यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता गणेश भगवान हनुमान भगवान का, और उधर है जगन्नाथ भगवान का, और ये नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है इधर, ये बहुत बड़ा जगह है। और इधर जाएंगे तो हम लोग शिव मंदिर अभी चलते हैं। राधा कृष्ण का मंदिर है,
आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है ये। आगे तरफ चलती हूँ मैं, ये अभी लाइन लगा है ना, इतना लंबा लाइन है पीछे और आगे भी वैसे ही इतना ही लंबा है, इससे ज़्यादा है। बहुत भीड़ है यहाँ पे। सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो लाइन में बहुत ज्यादा गर्दी है, एक एक हाथ का लाइन पूरी बनाइए। बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, और जोर से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो अभी ये यात्रा शुरू हो जाएगी, अभी हम लोग निकलेंगे धीरे धीरे करके। सबसे निवेदन है कि एक हाथ का दूरी बनाकर अपना सीधा लाइन को कतार को आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़िए। ये यात्रा अभी शुरू हो गया, हम लोग अभी निकल रहे हैं और बहुत भीड़ है, आगे भी बहुत भीड़ है। रास्ता में जाते जाते बात करेंगे, अभी निकलते हैं। तो ये हम लोग अभी मुसावनी जाने वाला जो रोड है वहाँ पहुँच गए हैं। आप इससे पहले देखे होंगे ये वाला रोड, थोड़ा ही दूर में HCL की कंपनी है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो दूर में आपको दिख रहा होगा कंपनी का बोर्ड। बहुत ज़्यादा धूप है। ये रास्ता इससे पहले आप वीडियो में देखे होंगे, बहुत गर्मी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और जय जगन्नाथ, अभी चले जा रहे हैं, अभी नदी जाना है हम लोग को, यही रास्ता से होते हुए जाएंगे, हमको तो पता नहीं है किस तरह, तो चलिए चलते रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय आगे में आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है, पीछे इससे भी ज़्यादा लंबा लाइन है, आपको मैं दिखाई दी। हम लोग नदी पहुंचने वाले हैं, ये नदी की तरफ जा रहे हैं, ओवर ब्रिज पार कर गए हैं आप देखें, और अभी जा रहे हैं नदी तरफ। अभी छांव है, धूप नहीं है, पेड़ है यहाँ पे। जय जगन्नाथ, अभी हम लोग ये नदी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा पुल है जो टूट गया है, ये देखिए। और यहाँ पे सब पहुंच गए हैं, हम लोग भी अभी जा रहे हैं। और अभी ये जो रोड है ये बहुत गर्म हो गया है और पत्थर इतना गड़ गड़ के आया है, पूरा पैर जल रहा है। तो चलिए लाइन पे लगते हुए जल ले लेते हैं। तो अभी हम लोग जल ले लिए हैं, जा रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं। अभी जल लेते समय नहीं बना पाए क्योंकि उस समय वीडियो बनाना थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए ओवर ब्रिज पहुँचे हैं। बहुत गर्मी है, रोड बहुत गर्म हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा है
तो अभी हम लोग बात करेंगे सीधा मंदिर में, यहाँ से पहले चलते हैं क्योंकि ऐसे में कलश लेके बात करने में भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मिलते हैं मंदिर में। अभी पहुँच गए, हमने कलश रख दिया यहाँ पे। कलश रखा जा रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ पे सारा कलश रखा गया है। बहुत अच्छा लगा कलश यात्रा करके। मैं भी शरबत पी ली हूँ और ये प्रसाद भी ले ली हूँ। अभी यहाँ पे जो भी आए हैं वो बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे महाप्रसाद दिया जाएगा दोपहर को 1 बजे। तो अगर कोई सामने का है तो अपना अपना घर चल जा रहा है, और लेकिन अगर कोई दूर का है तो यहाँ पे रह रहा है, दोपहर का महाप्रसाद ले कर ही जाएंगे। तो मैं देखती हूँ, हो सकता है मैं चल जाऊँ, क्योंकि मैं तो गाड़ी लेकर आई हूँ, जा सकती हूँ। जाके दोपहर को फिर से आ जाऊँगी, फ़ोन करके पूछूंगी, जैसा घर में बोलेंगे वैसा करूँगी। परिसर में किसी का कान का बाली गिर गया है सोने का, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी को अगर मिले तो वो दे दें। एक्चुअली ऐसे भीड़ भड़ाका में सोने का चीज़ पहन के आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गिरने का चांस भी रहता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको मिल जाने के बाद वो वापस कर देते हैं। और अगर मिल भी जाए तो वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का गिर गया है तो गलती से गिर गया है तो दे देना चाहिए। अभी यहाँ पे ऐसा भगदड़ मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, दोपहर में आऊँगी। अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, पूजा वूजा सब हो गया है। अभी दोपहर में महाप्रसाद का वितरण होगा, तो इसलिए मैं अभी घर चल जाऊंगी, उसके बाद दोपहर में आऊंगी। क्योंकि मैं दोपहर के लिए वहां पे प्रसाद खाने के लिए निकल गई हूं। आके मैं और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म हो गया था और मैं पूरा पूरी धूप से आके थक गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। और अभी जाते हुए बना रही हूँ, मैं रेडी होकर जा रही हूँ। और अभी मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, वो भी जा रहे हैं साथ में, वो नीचे चल गए हैं, मैं अभी नीचे जा रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा धूप है, पानी बोतल भी ले रही हूँ साथ में। आप देखेंगे, देखिए कितना ज़्यादा धूप है। हम लोग दोनों जा रहे हैं प्रसाद खाने, तो धूप बहुत है इसलिए मैं गमछी ले ली हूँ। वो नहीं लेंगे, उन्हीं के लिए लाई थी, मैं तो साड़ी से ओढ़ लेती लेकिन वो लेंगे नहीं बोले, इसलिए मैं ले ली हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो मिलते हैं हम लोग मंदिर में। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है प्रसाद खाने के लिए। ये इधर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये हम लोग के पीछे कुणाल सारंगी जी हैं, बहरागुड़ा के पूर्व विधायक। तो अभी ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, फाइनली हम लोग यहाँ पे दो चेयर पकड़ के बैठे हैं, यहीं पे बैठेंगे, ये लोग उठ जाएंगे तब हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग इधर खा लिए प्रसाद, और भगवान जी का स्नान किया हुआ पानी और साथ में ले ली हूँ प्रसाद घर के। हाँ। और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि ये पीछे ये है शनि मंदिर, चलते हैं थोड़ा शनि मंदिर भी मतलब प्रणाम कर लेते हैं, हालांकि मुंह जूठा है इसलिए अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही कर लेंगे। ये इस तरफ में देखिए कितना भीड़ है, वो उधर वहीं पे ही हम लोग खाए। मेरा जो चश्मा था वो चश्मा एकदम से टेढ़ा हो गया, मैंने जेब में रखा हुआ था, मतलब वो आगे इस तरीके से करके जो रखते हैं ना ऐसे, तो किसी ने धक्का लगा दिया और बस वो गया, पहनने लायक नहीं रहा, तो अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा इतने धूप में। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो कुछ लोगों से भेंट भी तो हुआ। हाँ ये भी बात है, लेकिन कि बहुत टाइम से मतलब क्या बोलूँ, भेंट मुलाकात हुआ ही नहीं था, यहाँ पे ही हुआ, तो ये अच्छा भी लगा, अच्छा ही लगा, ओवरऑल बढ़िया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप देखते रहिए।
देखी ये अच्छा से नहीं हुआ, अभी मैं बोलता हूँ देखो। और तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।